समस्तीपुर में CAA, NRC और NPR के विरोध में 10 जनवरी से जारी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह स्थल पर बैठे लोगों ने आज 19वें दिन हवन यज्ञ किया और हवन कुंड में CAA, NRC और NPR विल को डालकर स्वाहा किया और कहा कि भगवान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सद्बुद्धि दे। बिल्कुल, ये सभी धर्म, सभी जाति, सभी दल जो इस देश की उन्नति चाहते हैं, इस देश की अखंडता और एकता में विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं देश तरक्की के मार्ग पे चले, जो भारत की पहचान विश्व में थी वो बरकरार रहे, उसके लिए मोदी जी और योगी जी और जहां अभी अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ में सभी तबके के लोग, हिंदू मुस्लिम, दल की जो धारा है, दल का जो आर है, उसको तोड़ते हुए सब लोग एक जगह होकर के आज यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं इस सत्याग्रह स्थल पर। और हम लोग इस सत्याग्रह के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से हम लोग ईश्वर से, भगवान से, गॉड से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको, ईश्वर उनको, खुदा उनको सद्बुद्धि दे, ताकि उस देश की अखंडता और एकता को बरकरार रखे, हमारा देश विश्व में कीर्तिमान बनाए, जिस तरह हमारे देश का सनातनी इतिहास वर्षों वर्ष काल से पूरे दुनिया में जाना गया, न राम किसी के थे एक के थे, न रामान किसी के एक थे, पूरे विश्व के राम थे, पूरे विश्व के रामान थे, इसी विचार को फैलाते हुए पूरे विश्व में हमने अपने आप को ही किया। गांधी इस देश के नहीं थे, गांधी दुनिया के थे, राम इस देश के नहीं थे, पूरी दुनिया के थे, रहमान मोहम्मद साहब इस देश के नहीं, पूरी दुनिया के थे, इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस यज्ञ का आयोजन किया है और कहा है कि जो काला कानून माध्यम से हवन द्वारा हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भगवान सद्बुद्धि दे, जो काला कानून वापस ले, यही उद्देश्य ये सत्याग्रह आंदोलन किया गया। आज कार्यक्रम क्या किया गया? आज कार्यक्रम हवन यज्ञ किया गया। कितने लोग बैठे हैं? बहनों की हिफाजत करें, अपने आधा दर्जन पंडित लोग हैं और जो अन्य नेता सब है, इसमें सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं। सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं। क्या प्रार्थना क्या किए? उच्चारण करके हम लोगों ने प्रार्थना ये किए जो केंद्र सरकार को सद्बुद्धि हो। Make the ground shake.